हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। आज के वीडियो में हम जो त्योहार आने वाला है, मतलब होली, होली से पहले हम अपने बालों का और स्किन का कैसे ध्यान रख सकते हैं, और होली के बाद जब हम होली खेल कर आते हैं तो किस तरह से हम अपने बालों का और स्किन का ध्यान रख सकते हैं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। होली का त्योहार आते से ही हमें बहुत सारे रंग और बहुत सारी मस्ती दिखाई देती है। मेरा तो बहुत फेवरेट फेस्टिवल है ये, पर बहुत ज्यादा सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है जिससे कि हम होली को बहुत भरपूर तरीके से खेल पाए। आजकल के जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा केमिकल वाले हैं, बहुत ज्यादा उनमें लेड है, आर्सेनिक है, कांच के पाउडर जो है वो मिला होता है, कांच के टुकड़ों का पाउडर। तो इन सभी रीजन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एलर्जी, बहुत ज्यादा रैशेस और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हमें होने लगी है, जिनको अस्थमा है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिनको आई प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको होली खेलने में अब बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी है। और लोग आजकल होली खेलना भी प्रिफर नहीं करते हैं इन सब गंदे कलर्स की वजह से। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप होली के त्योहार को बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर आप होली में हर्बल कलर्स को यूज करेंगे। हर्बल कलर्स अपने फैमिलीज को भी बोलिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो हर्बल कलर यूज करें, जिससे कि आप होली का भरपूर फायदा उठा सके और भरपूर मस्ती कर सके। आइए हम पूरे वीडियो में समझते हैं कि होली को हम किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जब हम होली खेलने जाते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिर से। हमारे बालों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जिनके ऑलरेडी बालों में कलर है उनमें कहीं ना कहीं दूसरा कलर चढ़ जाता है, तो बहुत आसान तरीका है, अगर आपके बाल व्हाइट हैं या आपने कलर किया हुआ है तो आप अपने स्कैल्प पे बहुत ज्यादा कोकोनट ऑयल अप्लाई करें। बहुत परफ्यूम्ड कोकोनट ऑयल नहीं, नॉर्मल कोकोनट ऑयल अप्लाई करें और अपने बालों के लास्ट तक पूरा तेल अच्छी तरह से भर कर जाए। अगर आप तेल को सिर के स्कैल्प से लेकर लास्ट टिप तक अच्छी तरह से लगाकर जाते हैं तो आपके बालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई दूसरा कलर भी नहीं लगेगा। जिनके व्हाइट बाल हैं उनके बालों में काला, नीला, पीला कलर चढ़ जाता है, या जिन्होंने बालों को कलर करवाया है ब्रॉन्ज की जगह उनका डिफरेंट लाल पीला कलर चढ़ जाता है। काले बालों के लिए, जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए, बहुत अच्छा है, कोई कलर नहीं चढ़ता है। बट हाँ, हमें अपने बालों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए ऑयलिंग बेस्ट है। सरसों का तेल या कोई भी बहुत ज्यादा तेल का तेल या ऑलिव ऑयल अपने बालों में इस टाइम प्रिफर ना करें। कोई भी गर्म तेल अपने बालों में प्रिफर ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर। तो अगर हम बाहर गर्मी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रोक आ सकता है, कहीं ना कहीं हमारे प्रेशर हाई हो सकता है, या कहीं ना कहीं हमें चक्कर आ सकता है। इसलिए कूलिंग कोई भी ऑयल अपने सिर पे लगाएं। अब आता है हमारा फेस, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और जिसपे सबसे ज्यादा कलर लगता है। तो हमें अपने आंख के आसपास आप बहुत अच्छी तरह से ऑयलिंग करिए, नोज के अंदर भी ऑयल अच्छी तरह से लगाकर जाइए। इट्स नॉट लाइक टच करके जा रहे हैं, अच्छी तरह से नोज के अंदर भी ऑयलिंग करिए, कान के अंदर भी ऑयल लगाएं, कान के ऊपर भी ऑयल लगाएं, जिससे कि इस पार्ट पे हमारे बहुत ज्यादा कलर ना पहुंचे। इस पूरे पार्ट में, कान के पीछे से लेकर कान के पूरे इस एरिया में और कान के अंदर भी, और यहां तक पूरा अच्छी तरह से ऑयल लगाएं, जिससे कि आपके कान के अंदर, नाक के अंदर सांस के साथ या और लिप्स के आसपास इस एरिया में बहुत अच्छी तरह से ऑयलिंग लगाएं। अगर आप सनस्क्रीन लगाती हैं जो कि 20 या 30 है, तो उसको सनस्क्रीन को 50 तक ले जाएं। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो सनस्क्रीन 20 या 30 SPF का लगाकर जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा फेस आता है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और आप अगर पानी से खेल रहे हैं तो ठंडा गर्म होने के कारण कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा टैनिंग हो सकती है। तो अपने उस दिन अपने स्किन पर एलोवेरा जेल या सनस्क्रीन और साथ में फिर उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके जाएं, तो आपके फेस पे कोई भी कलर बहुत ज्यादा नहीं चढ़ेगा जो कि आपको प्रॉब्लम दे। अगर जो लोग नहीं मानते हैं, जो कि हर्बल कलर यूज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को बचाने का, बहुत सिंपल है। आईज के आसपास, नाक के अंदर, कान के अंदर और लिप्स के आसपास प्रॉपर ऑयलिंग करके जाएं। अपने फुल बॉडी पे कोकोनट ऑयल लगाएं, सरसों का तेल नहीं, कोई भी गर्म तेल नहीं अपने बॉडी पर लगाएं, क्योंकि बहुत जल्दी टैनिंग हो सकती है या फिर आपको रैशेज आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बाहर बहुत गर्मी है।
हैं, अपनी फुल बॉडी में अच्छी तरह से मसाज ना करें, क्योंकि मसाज करके ऑयल पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी स्किन पर ऑयल रहना चाहिए जिससे कि जो कलर है वो बहुत ज्यादा रुके नहीं, बहुत ज्यादा स्टे ना करें हमारे स्किन पे। तो बहुत थोड़ा हल्का मसाज करके ऑयल को अपने स्किन पे रहने दें। कॉटन के फुल स्लीव्स के कपड़े पहने जिससे कि कलर बहुत ज्यादा आपके स्किन तक जाए ना, और जाए भी तो ऑयलिंग तक वहां तक रुक जाए जिससे कि आपको कोई एलर्जी ना हो। इन सबके साथ अपने नेल्स को काट लें, क्योंकि नेल्स अगर आप छोटे रखते हैं तो आपके आपसे किसी को हार्म नहीं होगा। और इस पूरे पोर्शन में प्रॉपर ऑयलिंग करें, सेम अपने हाथों के नेल्स में भी और अपने पैरों के नेल्स में भी। अगर आप प्रॉपर ऑयलिंग करके जाते हैं अपने हाथ पैरों के नेल्स में, तो आपके क्यूटिकल्स, आपके नेल्स के आसपास के एरिया से कहीं ना कहीं जो कलर है वो लगेगा नहीं और अंदर भी नहीं जाएगा। अपने फुट के नीचे, अपने पैरों पे भी अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लें, तो आपके जो पैर है वो हमेशा बहुत लंबे टाइम तक कलर में रहते हैं, तो वो कलर नहीं रहेगा। उंगलियों के बीच में, खासकर इस पोर्शन में, पैर में भी, इस पोर्शन पे भी थोड़ा सा अच्छी तरह से ऑयलिंग करें, क्योंकि वहां पे कलर बहुत देर तक स्टे करता है और हम नहाते वक्त भी उस एरिया को बहुत ज्यादा ठीक से क्लीन नहीं करते हैं, तो उस एरिया में भी कलर बहुत ज्यादा रहता है। अपने आप को हाइड्रेट रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाहर ठंडा है, पानी से खेल रहे हैं, ठंडा गर्म होने के कारण कहीं ना कहीं आपको कहीं बहुत ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है। अपने आप को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जिनका खासकर प्रेशर जो है फ्लक्चुएट होता है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो जब पानी पीते हैं तो पहले एक बार गार्गल करें, दो तीन बार कुल्ला करें और उसके बाद ही पानी को पिए। मैंने खुद देखा है और कई बार ये गलती हो जाती है कि जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है तो आप फटाफट पानी आते से ही उसे पानी पी लेते हैं, तो जितना भी कलर आपके लिप्स के आसपास है या आपके गले में जो कलर उड़ के गया है वो आपके पेट में चला जाता है। तो पहले प्लीज एक बार एटलीस्ट गार्गल करें या और दो तीन बार कुल्ला करने के बाद ही पानी को एब्जॉर्ब करें अपने बॉडी में, पानी को पिए, तभी आप क्लीन वाटर आपके पेट में जाएगा, वरना कहीं ना कहीं कलर आपके पेट में या गले में जाएगा और जिनको अस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज्यादा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा डाइट में अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्राइड खाना ना खाएं इस टाइम पर, क्योंकि ऑलरेडी वेदर फ्लक्चुएशन, कलर बहुत ज्यादा है, केमिकल्स बहुत ज्यादा है। अगर आपने बहुत ज्यादा तला गिला खा लिया तो कहीं ना कहीं आपको स्टमक इश्यू हो सकते हैं। तो फेस्टिवल सीजन में खासकर थोड़ा सा अपने डाइट पर ध्यान दें, बहुत ज्यादा ऑयली और जंक फूड ना खाएं, बहुत ही सिंपल खाना खाएं। ठीक है, इस टाइम पे हम बहुत ज्यादा वैरायटी बनाते हैं, सब कुछ है, तो हम उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लपक के, प्लेट भर के और बहुत ज्यादा ग्रीड से खाना ना खाएं, सिंपल स्वीट सा खाना खाएं, मीठा जरूर खाएं, बिल्कुल नहीं कहती कि मीठा ना खाएं, क्योंकि फेस्टिवल पे मीठा नहीं खाया तो कब खाया, तो मीठा खाएं पर लिमिट से खाएं। तो अपने डाइट का ध्यान रखें, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, अपने कपड़ों का ध्यान रखें, अपने स्किन का ध्यान रखें, अपने बालों का ध्यान रखें, और इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान से रखते हैं होली खेलने से पहले, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कोई रैशेस नहीं होंगे और आप होली को भरपूर इंजॉय कर सकते हैं और खूब मस्ती कर सकते हैं। अब आप जब होली खेल के वापस आ चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत लोग उठा के स्क्रबिंग करने लगते हैं अपने फेस पे, अपने बॉडी पे, बेसन है, ये सब बेसन है, आटा है, इन सब से अपने बॉडी को स्क्रब करते हैं और कलर को उतारते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जब आप आए हैं तो एक नॉर्मल सा अच्छा फेस वॉश यूज करें जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल ना हो, और अपनी फुल बॉडी पे कहीं ना कहीं मलाई या कच्चे दूध से आपने आपको क्लीन करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका बहुत हद तक कलर निकल जाएगा और ये इतना सॉफ्ट होता है कि जब आपके पूरे बॉडी में लग जाएगा, इसके बाद जब आप नॉर्मली वॉश करते हैं साबुन से या किसी से, तो आपका आराम से कलर लग जाएगा। तो साबुन भी आपके बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं करेगा। जो लोग साबुन अपनी बॉडी पे नहीं लगा सकते हैं, उन्हें उस टाइम पे कहीं ना कहीं क्लीन करने के लिए साबुन या कुछ स्क्रब यूज करना पड़ता है कलर को निकालने के लिए। तो आप अगर मलाई या फिर कच्चे दूध का यूज करते हैं तो आप इजिली अपने कलर को उतार सकते हैं। अगर
ये एक टिप है जिसको यूज करके आपको कलर इजली उतारना है, क्योंकि जब मलाई से आपका बॉडी पूरा क्रीमी हो जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट डे थोड़ी हल्की स्क्रबिंग भी करेंगे तो आप पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे और कहीं भी आपके बॉडी में कलर नहीं रहेगा। तो इन सब चीज का ध्यान रखिए, खासकर स्पेशली गर्ल्स जो है जिनका फेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उनको रैशेस हो जाते हैं या ब्रेस्ट पोर्शन है जहां पर ब्रा पहनने के कारण बहुत ज्यादा कलर स्टे करता है, वहां पे रुकता है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत गर्ल्स को उस जगह पर रैशेस होने के चांसेस होते हैं। तो एक बहुत सिंपल टिप है, आप कच्चे दूध से या फिर मलाई से अपने आप को क्लीन करें, पहले प्रॉपरली क्लीन करें, फिर एक माइल्ड सा सोप लेकर आप अच्छी तरह से साफ करेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी जगह पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखने से आप होली को बिंदास खेल सकते हैं, खूब मस्ती से खेल सकते हैं और होली को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, होली को भरपूर खेलिए और हैप्पी होली मेरी तरफ से आप सभी को, आप सभी के परिवार को। हैप्पी होली एंड टेक केयर।